तो एक्सेल की हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में बात करें। और बड़का जी अभी तक जितनी भी कैटेगरी मैंने करा उसमें मोस्टली फॉर्मूले मैंने कवर कर लिए राइट। बट अब जो कैटेगरी होगी मैथमेटिकल इसके हम कुछ फॉर्मूले छोड़ देंगे। रीजन कि उन फॉर्मूले के रिलेशन मैथमेटिक्स से है ठीक राइट है ना, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीएस फॉर्मूले की। हम क्या बात कर रहे हैं, एबीएस एब्सोल्यूट रेफरेंस राइट। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम बात करेंगे जैसे कि मेरे पास अगर डेटा है सेल्स का इस तरह से, और सेल्स में डेटा हमारा माइनस भी है प्लस भी है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो माइनस डेटा है वो हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन दोनों मेरे लिए प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है ठीक है, तो जो प्लस पॉजिटिव है वो आपकी इनकम से, और जो माइनस में वो डिस्काउंट है, मतलब कि आपने 100 रुपये का सामान खरीदा था क्रेडिट कार्ड से, बट क्रेडिट कार्ड वालों ने 52 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट भी तो आपके लिए अर्निंग ही है ना। लेकिन राइट जब मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये डिस्काउंट वाला माइनस हो जाता है। तो मैं चाहता हूं नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो बोले इसको कौन सी बात है, अगर माइनस में 50 डला है इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस सेलेक्ट कीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या। राइट लेकिन फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मुझे पॉजिटिव को राइट पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, देन एबीएस एब्सोल्यूट। शायद इसको आपने रैप फॉर्मूले की एग्जांपल में देखा होगा, यस मैं बस यूज किया था। एबीएस फॉर्मूला एब्सोल्यूट रेफरेंस इसको बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, जैसे रेखीय नेगेटिव को इसने पॉजिटिव कर दिया राइट। राइट ये हमारा एबीएस। उसके बाद एक एक कॉस है आपका, कॉस थीटा का मान देता है, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेडियंस रेंज ऑफ द पी और टू पाई दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये सेम वही है। इसमें एग्रीगेट का फॉर्मूला एक फायदेमंद है, लेकिन इसको सिखाने के लिए मुझे आपको बताना होगा एक छोटा सा डेटाबेस। तो जैसे कि मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, काफी ज्यादा है तो अब जैसे कि यहाँ आपके पास डेटा है और आपने नीचे टोटल लगा दिया, टोटल में आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। सम में आपके सामने वैल्यू आ गई, ये आ गई 57,000, मैंने सेलेक्ट किया और इस पर फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ मान लीजिए दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए दिल्ली का टोटल आ रहा है क्या। अब दिल्ली का जो टोटल आया उसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये यहाँ जो टोटल है ना ओवरऑल टोटल दिखा रहा है, मतलब जो जो विजुअल सेल्स है दिल्ली का वो नहीं दिखा रहा है। विजुअल सेल्स क्या है यहाँ पे 6543, बट एक ओवरऑल आ रहा है। तो मुझे ऐसा चाहिए जो कि ओवरऑल दिखे, तो जनरली इसके लिए हम यूज करते हैं सब टोटल का फॉर्मूला। अभी तक यूज करते आया है सब टोटल का फॉर्मूला। अब सब टोटल सिर्फ सम करने के लिए नहीं होता, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सम है, तो सम का सीक्वेंस नंबर क्या 9 है ना, तो 9 लिख दीजिए या फिर टैब से सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर हम पूरे एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं 57,95,63, 57,95,63 आ गया। फिल्टर लगाते हैं, एक मिनट, ये तो पुराने वाला ही है, हाँ अभी तो फिल्टर ये कहाँ टोटल लगाया ही ना, आया अभी ना। तो फिल्टर अच्छा नहीं लगाया ना हमने। ठीक अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली का फिल्टर लगा दिया, अब डेटा देखिए चेंज हो गया ठीक 65434 क्या मैम, यस सर। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बात कर रहा था एग्रीगेट का, अब बता दिया सब टोटल। तो एग्रीगेट सब टोटल बता द सेम, बस एक छोटी सी चेंजिंग है, वो चेंजिंग ये है कि जैसे मैं डेटा में दे दिया एरर, एरर आ गया ना। अब स्पेशल रूल कहता है कि अगर आपके इनपुट किसी भी फॉर्मूले की इनपुट एरर है तो आउटपुट भी एरर ही होगा। राइट अब यहीं पे हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला जो कि नए एक्सेल का है वो काम आता
एग्रीगेट फॉर्मूला में सेम सब टोटल के लिए होता है, इसे सम करना है। और यहाँ एक ऑप्शन ऐड हो गई इग्नोर्स कि क्या इग्नोर करना है, दिख रहा है? तो यहाँ इग्नोर में हमने बोल दिया हिडन एंड एरर वैल्यू। हिडन इट मीन जो फिल्टर से हाइड करेंगे, एरर जो एरर हो। सेवन नंबर दे दिया या टाइप करके सिलेक्ट कर लिया एंड डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। और फिल्टर में सेम उसी तरह से काम कर। ओके ओके सर, ये हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला। उसके बाद एरे भी कहता है। अब जैसे मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख दिया, मुझे इसको रोमन नंबर में चाहिए था, तो हम अप्लाई करते हैं रोमन फॉर्मूला जो कि रोमन नंबर में इसमें कन्वर्ट कर देता है क्या। एंड रोमन नंबर से वापस अरेबिक में लाना है, अरेबिक कर दीजिए इसको वापस 1 2 3 में ला दे। अरेबिक का काम यही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंड फॉर्मूले की। जैसे कि अगर मैंने कुछ डेसिमल में लिखा हुआ है तो हमारे पास राउंड का फॉर्मूला होता है जो कि राउंड नियरेस्ट कर देता है। जीरो कीजिए या नंबर ऑफ डिजिट जितना डालना है डाल दीजिए। राउंड डाउन है जो कि नीचे की तरफ करता है, और राउंड अप है जो कि हमेशा अपर की दिखाता है। ये समझिए ना कि अगर इंटरनल ट्रांसफर है तो आप राउंड यूज करें, किसी को पैसा देना है तो राउंड डाउन यूज करें, किसी से लेना है तो राउंड अप यूज करें। ये लाला जी का नियम है। लेकिन लेकिन मुझे राउंड तो करना है बट नंबर्स, जैसे कि मेरे पास पैकेट्स है तो मेरे पास दर्जन के हिसाब से पैकेट्स आते हैं, तो 12 पीस इट मीन्स 1 पैकेट, 12 पीस इट मीन्स 1 पैकेट, ठीक है सर। तो अगर किसी ने मुझे बता दिया कि 12,558 पीस है, मान लीजिए ना कि आप एक सेलर है राइट, और आप पैकेट बेचते हैं, आप लूज नहीं बेचते, क्लियर है? अब किसी कंपनी ने बोला कि मुझे एक इवेंट में 12,558 कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए, तो आप बोलोगे सर मैं इस तरह से लूज नहीं देता, आपको पैकेट में लेना हो, तो बोलेगा ठीक है पैकेट में कन्वर्ट कर लो। तो कितने पैकेट हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे, तो 10,040.5 आ गया सर, राइट। तो बोले सर आपको जो है ना 10,040 नहीं 47 पैकेट देने पड़े। अब सामने वाला मुद्दा पूछेगा कि 10,047 में कितने पीसेज होंगे, तो आपको ये निकालना है कि कितना हो सकता है। तो इसके लिए सेलिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं। सेलिंग इसको सिलेक्ट किया और 12 का सिग्निफिकेंट कर दिया, तो बताया कि 12,558 12 के मल्टीप्लेक्स में 12,564 होंगे। इसकी समझिए कि आप एफडी करने जाते हैं, तो एफडी का रूल ये है कि आप जो है मान लीजिए आपको जो है 50,255 का एफडी करना है, बट कंपनी कहती है बैंक कहता है कि आप 500 के सिग्निफिकेंट में ही कर सकते हैं, 500 के मल्टीप्लेक्स में ही कर सकते हैं आप, तो आपको कितना एफडी करना चाहिए वो चीज आपको निकाल के देगा सेलिंग मैथ कि आपको 50,500 एफडी करनी चाहिए, ठीक है? ओके। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि और ठीक है यार कम भी कर सकता हूं, तो कम कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए आता है फ्लोर। देखिए फ्लोर मैथ सेलिंग मैथ सेलिंग दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो फ्लोर हमने यहां पे लिया और 500 को दिया, तो यहां पे आ गई 50। तो राउंड और राउंड अप समझ सकते हैं नंबर्स को, समझ आ गया? बट सर प्रीवियस एग्जांपल में तो हम राउंड यूज करेंगे ना, अगर तो राउंड तो डेसिमल के लिए यूज किया जाता है ना, लेकिन नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर को राउंड करना है आपको दर्जन के हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से, इस तरह से, ठीक है आपकी नहीं।
अगर देश में, इसलिए मैंने आपको पहले डेसिमल वाला बस समझाया मैंने, राउंड राउंड अप डाउन डाउन, दिख रहा है ना आपको सर, ये तीनों राइट फॉर्मूले डेसिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं, नंबर्स के लिए नहीं, समझे? यस सर, नंबर्स के लिए ये दोनों फॉर्मूला यूज किए। अब आते हैं कॉमन फॉर्मूला, कॉमन। अब जैसे मान लीजिए कि आपने तीन लोगों का इंटरव्यू लिया है, राइट, तीन को, मैं आपको, आपने इंटरव्यू सर एक लिए, तीन को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब तीन में से आपका बॉस बोलता है कि मैं दो की जरूरत है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, ये आपको कॉमन बताता है। प्रमोटेशन वगैरह था ना मैथमेटिक्स में, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ यही तो तीन है, मतलब कि आपके पास ए बी और सी है, तो आप ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बी और सी को कर सकते हैं क्या, और ए और सी को कर सकते हैं, तीन चॉइसेज है ना आपके पास, राइट। ये आपका कॉमन फॉर्मूला बता। कॉमन है, ऑल बताता है, ऑल हो जाता है इसमें, कॉम्बिनेशन रिपीटेशन भी दे देता है, और कॉस थीटा साइन थीटा है सारे के सारे, डेसिमल्स ए डिग्री, इवन आपको इवन नंबर बताता है, ए एक्सपोनेंशियल नंबर दे देता है, अंदर रेज ऑफ द पावर ऑफ गिवन नंबर, ये आपका फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर पढ़ रहा था आपने, यस सर, चौथी क्लास में पढ़ाई जाती है ना फैक्टोरियल नंबर, नहीं बहुत पहले नहीं होती सर, एट्थ नाइन्थ चौथी क्लास में ऑनवर्ड्स पढ़ी होती है थी? फैक्टोरियल, एट्थ नाइन्थ ऑनवर्ड्स होता है फैक्टोरियल, इतनी नहीं, हम लोग छोटी क्लास में हम लोग थोड़ी बिहार बोर्ड होती में चौथी क्लास में है फैक्टोरियल नंबर, है, बिहार फिर आ गया हमारे से। चौथी क्लास में मैंने पढ़ा था फैक्ट और फैक्ट डबल दोनों पढ़े थे हम, हालांकि इसको हिंदी में हमने बोला पढ़ा था, गुणांक हमने पढ़ा, मुझे भी इसके पता नहीं था, जब मैं नंबर को अप्लाई किया और देखा जब, तब याद आया यार चौथी क्लास में पढ़ा था मैंने, और इसलिए पढ़ा था चौथी क्लास में क्योंकि मजा आता था इसको पढ़ने में। राइट हमारे भैया थे, हमें मतलब बड़े बड़े भाई जी थे, तो मैथ में बहुत अच्छे थे, तो राइट उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं सोचता था, हम लोग फैक्टोरियल नंबर निकाल के दिखा देते। फैक्ट डबल पता है क्या होता है, दो में से ये एक नहीं लेता। पता, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल नंबर राइट अगर आप फैक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 से लेके 6 तक का ठीक कर है, देता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब राइट फैक्ट डबल करते हो क्या हो जाता है, दो में से एक, ठीक है, दो में से एक कैसे चूज करेगा, जैसे देखा कि 6 है, 6 क्या है, इवन नंबर है ना, तो सारे इवन नंबर करेगा, 3 4 6, ओके अगर ऑड नंबर ओके है सारे ऑड को करेगा, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर पता है, HCF, दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू आप डालते हैं इसके अंदर, जैसे हमने दे दिया 50 और दे दिया 45, दोनों का कॉमन डिवाइडर क्या है, 5 है ना, five, तो इसको महत्तम बोलते थे हिंदी, HCF है ये, HCF, तो महत्तम बोलते थे, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, ठीक है ना, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर कहा जाता है इसको, yes. ठीक है, और उसी तरह से एलसीएम भी है इसमें, आप एलसीएम का राइट फॉर्म लगा सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्स, क्या यस सर, बचपन के दिन याद आ रहे हैं ना, राइट इंट जो है इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब समझिए कि डेसिमल रिमूव कर, लॉग वगैरह है, और बाकी राउंड और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? राउंड जो है आप डेसिमल, देखिए राउंड को समझिए क्या है, राउंड फॉर्मूला डेसिमल को रिमूव नहीं करता है, समझ गए, एडजस्ट कर लेते हैं उसको, हाँ, जैसे हमने 55.5556 किया ना, क्या अगर मैं यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लेता हूँ, अगर मैं इसको जीरो कर दिया, देन वो डेसिमल्स को रिमूव करके इसको अपग्रेड कर देता है, मतलब 55 है, मतलब 50 से ऊपर है तो नियरेस्ट 56 होगा, ठीक है, राइट लेकिन राइट जीरो के जगह पे मैंने बोल दिया 2 डिजिट, तो अब यहाँ पे 56 आएगा, ठीक है, लेकिन इंटीजर इसको डेसिमल रिमूव कर देगा,
ठीक चाहे है वो 50.599 ही क्यों ना हो। ठीक है। ठीक है, यस अब एक मोड फॉर्मूला पढ़ते हैं। मोड जानते क्या होता है? अब मैं 14 को मोड 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मोड निकलेगा? पता है मोड? मोड के मोड मोड, MOD, इसको शेषफल हम निकालने का काम करते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं उसको। जो दो दो लाइंस में बीच में होता है मोड। नहीं, देखिए जैसे 5 14 को 5 से डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 आया, 10 राइट। वन हमारा, मेरा बेटा कहता है इसको खत्म कुट्टी हो गया सर पापा, और ये 4 बचा ना। यस अब इसके बाद डेसिमल लगेगा तो राइट। ए हो गई आपका मोड, मतलब कि शेषफल, रिमाइंडर शेषफल जो कहें। ठीक है, समझे? तो मोड इसी काम करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? अब चलिए इसका बेनिफिट अब आपको समझाते हैं। दो तीन बेनिफिट है इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है, जैसे कि नेम, सिटी, अमाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको नेम, सिटी, अमाउंट की जगह यहाँ पे प्राइसेस हो गया। अब नीचे कीजिए, यहाँ पे प्राइसेस की जगह पे यहाँ पे आपका RS आ गया। समझ गए कि आप यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ऐसे पूजा सिटी में हमने पुणे कर दिया, अमाउंट 500, फिर नेम में मोहन, सिटी में जयपुर, प्राइसेस 600, नेम में यहाँ पे कवि, सिटी मान लीजिए कानपुर, अमाउंट हो गए 700। अब मुझे अमाउंट को सम करना, समझ रहे हैं? अमाउंट को सम करना कैसे करें? क्योंकि हम सम ही नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि अमाउंट दिया उसके सामने अमाउंट ही होगा, प्राइस भी हो फील्ड सकता नेम है, आरएस फिक्स भी हो नहीं सकता है। है, कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे इनको सम करना है। क्या करना है? तो हमें इतना पता है कि वो हर तीसरे रो पे है। कितने है? 30वें रो पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकाला। याद हुआ रो का फॉर्मूला? यस अब मैं रो के फॉर्मूले में, इस रो के फॉर्मूले को मोड के अंदर डाल, किसके अंदर? और मोड में मैंने दे दिया 3 का डिवाइडर। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक ठीक है, जैसे 5 को 15 से डिवाइड करना तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि राइट पूरे इस करेक्ट पैटर्न पे पूरा कट जाएगा वो, करेक्ट 0 आया। अब इस राइट फॉर्मूला यहाँ पे बाकी सम भी बग रहा है और बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल इफ मोड इक्वल टू 0 तो इसको शो कर दो, अदरवाइज 0 को शो कर दो। सारे अमाउंट शो कर गए हैं, अब यहाँ पे सम लगा लीजिए आप। ठीक है मैम, ये उस सिनेरियो में ही एप्लीकेबल होगा ना, जैसे यहाँ पे कि रो फिक्स है मेरा कि थर्ड रो पे ही है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि एक्सेल या कोई भी कंप्यूटर में ऑटोमेशन किसी न किसी कंडीशन पे होती है। नो कंडीशंस, नो ऑटोमेशंस। ठीक है, अच्छा इसका एक और यूज हम समझा देते हैं, मोड का एक और समझा देते हैं। मोड का यूज क्या होता है? आपके पास टुडे का फॉर्मूला है ना, जो कि सिस्टम डेट निकाल के देता है, और एक नाउ का फॉर्मूला जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों टाइम निकाल के देता है। मुझे सिर्फ टाइम का फॉर्मूला चाहिए। तरीके बहुत सारे, जैसे कि आप यहां पे टाइम का दें और टाइम में दे आवर, मिनट, सेकेंड,
ठीक है। अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। दूसरा ये है कि दिस इज माइनस फ्रॉम इंट, वैसा कि क्यों कैसे हुआ, जैसे हमने बताया था ना कि डेट एंड टाइम अगर इकट्ठा लिखा हो तो डेट हमारा नंबर्स होते हैं, टाइम हमारा डेसिमल होता है, इंट क्या करता है डेसिमल को रिमूव करता तो है, रिमूव करता है। तो हमने बोला कि विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, तो रिजल्ट क्या आएगा डेसिमल। हाँ सेम उसी तरह से यहां भी हम करते हैं। तो यहां हम करते हैं फॉर्मूला, मोड भी लगा सकते हैं कि मोड और इवन, क्योंकि आपका एक मैथमेटिक्स रूल्स शायद आपने याद होगा बचपन में ही पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर शेषफल जीरो आता है, लेकिन वो नंबर डेसिमल हो तो रिजल्ट डेसिमल आता है। ठीक है मैम, यस क्लियर है। तो मैम ये हमारी मिसलेनियस फॉर्मूले थी, इसके बाद इसमें आगे की जो फॉर्मूला है जैसे कि इसमें आपके सामने सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्सिमम, डेटा समराइजेशन के फॉर्मूले आते हैं, तो ये फॉर्मूले बेसिकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा ये फॉर्मूले हम बाकी सबके साथ कराएं, क्योंकि फिर मुझे दोबारा उनको पढ़ाना पड़ जाए, इसको स्किप नहीं कर सकते ये रिकॉर्डिंग से। सर थोड़ा सा उनको बोल दो ना टाइमली आ जाए करें। अब मैं आज उन लोगों को मेल लेके भेज कर दूँ, एक बंदे के पीछे फिर तो एक बंदे को पिनलाइज होना पड़ता है फिर। क्लासेस तो होती है मैम, कोई आए कोई एक नहीं, भी आता है क्लास तो तो होती है बट ठीक है।